प्रणाम, हम छी मोनालिसा और आइ हम बनाबे जा रहल छी सब्जी बहुत ही आसान तरीका से, आलू परवल और पनीर के सब्जी। तो हमरा सबके पास जे मसाला रहे छै ओहे से बना लेबे। तो इमे पहले हम कढ़ाई में तेल गरम होला राख देने छी, तब हम राख देबे में परवल। परवल के हम लाल होय तक फ्राई कर लेबे, भिज लेबे। देखिए परवल भऽ गेल छै, तब एहिमे हम ई आलू लऽ लेने छी, उसनल आलू चाहे टा मधुम चाहे छी, जेकरा हम तोड़ि लेने छी। एवं एहिमे राखि के कनिक देर हमसब भुजि लेबै। हम लेने छलिए अहाँके 250 ग्राम परवल, तो अहाँके जते चाही जते बनबै के क्वांटिटी अहाँ अपना हिसाब से लऽ लेब। और हम एहिमे एहि सब्जीमे ऐड करबै 300 ग्राम पनीर। एहिमे हम कनिका राखि दै छी नमक। स्वाद अनुसार देबे नमक और राखि देबे कनि खान हल्दी। कनि देर आलू के भी हमरा एहिमे फ्राई कऽ लै छी। ई भुजा गेल छै आलू और परवल, तब हम पहिले निकालि लै छी आलू परवल के। ई कढ़ाइमे हम फेर से राखि देबै तेल 2 चम्मच, 2 बेली कहल छलै। और आब एहिमे राखि देबै हम पत्रक और 5 फोरन कने सन, और फोरन के पाके देबै। फोरन पाकि गेल छै, ताहिमे हम ई राखि देबै 4 टा हम मध्यम साइज के प्याज लेने छलियै, ओकरा हम काटि लेने छी नीक जकाँ। प्याज लाल भऽ गेल छै, आब एहिमे हम राखि दै छी 1 चम्मच ना बड़ा चम्मच से आदि लहसुन के पेस्ट। ओकरो कनि देर 1 से 2 मिनट आदि लहसुन के भुजि लै छी। देखियौ भुजा गेल छै आदि लहसुन प्याज। अब एहिमे हम राखि दै छी 2 टा मध्यम साइज के टमाटर, हम काटि लेने छी से। और राखि देबै मसाला, धनिया के बुकनी हम राखि देली 2 चम्मच, और मिर्चाई अपना स्वाद हिसाब से अहाँ लिअ, और ई हल्दी के बुकनी, और कनी सन पानी राखि के मसाला के हम भुजि लेबै। देखू 1 से 2 मिनट भेल छै मसाला फ्राई करैमे, और हम मसाला के जे छै से कम आँच पर फ्राई कर रहल छी, अपन बाद में आँच के बढ़ा देबै, लेकिन ई कनिका। और आप कनि हम झाँप के भुजि लेबै जे कि प्याज नीक जकाँ गलि जेतै। मसाला भुजा गेल छै, तब हम आँच के कनि तेज कर दै छी। देखियौ नीक जकाँ प्याजो भऽ गेल छै। एहिमे हम राखि देबै भुजने छलियै से आलू आ परवल, और साथे में राखि देबै हम पनीर। हम पनीर के भी पहले ही भुज लेने छलियै, फ्राई कऽ लेने छलियै। देखू नीक जकाँ सब्जी सब राखि के फिर से मसाला के और सब्जी के 2-3 मिनट भुज लेबै। आँच मध्यम में छै, तेज कऽ देबै आओरो, तऽ तेज आँच पर भुज लेबै। नीक जकाँ भुजा गेल छै, तब हम राखि दै छी नमक। नमक एकदम स्वाद अनुसार रखबै अन्दाज कऽ के, कियाकि हम पहिले रखने छी नमक आओरो। और साथेमे राखि देबै पानी 6 से मिक्स कऽ लै छी नीक जकाँ। ई सब्जी बहुत आसान छै, झटपटमे बनिओ जाइ छै, लेकिन देखैमे एकदम साधारण छै, लेकिन स्वाद एकर बहुत नीक रहै छै। चावल के साथ या फिर अहाँ रोटी पूरी पराठा के साथ कुछ चीज के साथ भी सर्व कर सकै छी। तो कनिक पानी और रखबै एहिमे हम। कतेक रस चाही अपना हिसाब से राखि सकै छी। देखियौ पहिले तेज आँच पर ई खदकि जेतै रस, तऽ हम 2 मिनट कम आँच पर सब्जी के
कहले जैसे कि सब परवल सब भी नरम भ जेतै निक जका और झाप के हम बनेबै। कदकला के बाद सब्जी जे खदक जेतै तो बाद हम झाप के 2 से 3 मिनट कम आँच पर सब्जी के खद के देबै। भ गेल छै सब्जी तैयार। एहिमे कनक गरम मसाला ऊपर से छीट देबै और गैस के हम बंद कर देबै। पनीर के तो हम सब बहुते रंग से बना के खाई छी ना पनीर में, लेकिन पनीर में जे छै हरा सब्जी मिक्स कर देबै तो बहुत निक सब्जी लगे छै खाए में। परवल कोभी के सीजन में कोभी राख सके छी, बहुत निक लगे छै। शिमला मिर्च मिला के बहुत अच्छा लगे छै पनीर के सब्जी। देखियो तैयार छै, अपनो सब ट्राई करू। आशा छै कि अपने सबके निक लागल हेतै हमरी वीडियो। तो हमर चैनल के सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो के लाइक और शेयर कर दिए। धन्यवाद, प्रणाम।